हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगी कि क्या आप ऐसी शादी में बिलीव करते हैं जिसमें ट्रेडिशनल रिचुअल्स एंड सेरेमनीज को पूरी तरह से निभाया गया हो? फॉर एग्जांपल, जिसमें पुरोहित यानी ब्राह्मण प्रीस्ट को बुलाया गया हो और सात फेरे लिए गए हों, या फिर आप ऐसी शादी को मानते हैं जिसमें रीति रिवाजों को स्ट्रिक्टली तो नहीं फॉलो किए गए हैं, लेकिन वर और वधू अपने रिश्तेदारों के सामने एक दूसरे को सिर्फ वर माला और अंगूठी पहना के पति पत्नी के रूप में एक्सेप्ट कर लेते हैं। आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हुए हम डिस्कशन करेंगे तमिलनाडु के सुया मरी यथई यानी सेल्फ रेस्पेक्ट मैरिजेस के बारे में, क्योंकि अभी रिसेंटली ये टॉपिक काफ़ी न्यूज़ में था और ये सोशियोलॉजी पेपर 2 में भी काफ़ी रेलेवेंट है। हिंदू मैरिज और सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट दोनों से ये टॉपिक रिलेट करता है। रिसेंटली एक जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाई कोर्ट को ये याद दिलाया कि सेल्फ रेस्पेक्ट मैरिजेस या तमिलनाडु में हो रहे सुया मरी यथई थिरुमनम मैरिजेस लीगल और वैलिड है, क्योंकि इन मैरिजेस से रिलेटेड तमिलनाडु की लेजिस्लेशन काफी पहले आ चुकी है। समय समय पर मद्रास हाई कोर्ट ने सेल्फ रेस्पेक्ट मैरिजेस पे रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज किए हैं। रिसेंटली 28 अगस्त 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो एडवोकेट्स सेल्फ रेस्पेक्ट मैरिजेस सॉलेमनाइज करवा रहे हैं उन सब पे रोक नहीं लगाई जा सकती, क्योंकि इस तरह के मैरिजेस लीगल एंड वैलिड होते हैं। ये ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट का रिएक्शन था मद्रास हाई कोर्ट द्वारा 5th ऑफ मई 2023 को दिए जाने वाले जजमेंट पे, जिसमें मद्रास हाई कोर्ट ने ये कहा था कि जो एडवोकेट्स सुया मरी यथई मैरिजेस को सॉलेमनाइज करवा रहे हैं और उसके बाद मैरिड कपल को मैरिज सर्टिफिकेट्स दे रहे हैं, उनके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाएगा। जिस केस के बारे में हम बात कर रहे हैं उसका नाम है इला वरसन वर्सेस सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस। इस केस में पेटिशनर इला वरसन मद्रास हाई कोर्ट में ये क्लेम कर रहे थे कि उन्होंने अपनी पत्नी के साथ सुया मरी यथई मैरिज की है, लेकिन मद्रास हाई कोर्ट ने उनके मैरिज सर्टिफिकेट को रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि सेल्फ रेस्पेक्ट मैरिज की वैलिडिटी को मद्रास हाई कोर्ट ने नहीं स्वीकार किया। इसी रीजन से पेटिशनर इला वरसन ने बाद में सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने इस केस पे अपना वर्डिक्ट 28 अगस्त 2023 को दिया, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि सेल्फ रेस्पेक्ट मैरिजेस वैलिड हैं, क्योंकि हिंदू मैरिज एक्ट का सेक्शन 7A तमिलनाडु के सेल्फ रेस्पेक्ट मैरिज को वैलिड बताता है। 2014 में मद्रास हाई कोर्ट द्वारा दिए गए एक दूसरे जजमेंट को भी सुप्रीम कोर्ट ने ओवर रूल कर दिया, क्योंकि 2014 में भी मद्रास हाई कोर्ट ने एक केस में ये कहा था कि सेल्फ रेस्पेक्ट मैरिजेस वैलिड नहीं हैं। सेल्फ रेस्पेक्ट मैरिजेस 1925 में तमिलनाडु में तब शुरू हुए थे जब सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट शुरू हुआ था। सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट एक सोशियो कल्चरल मूवमेंट था जो द्रविडियंस ने शुरू किया था तमिलनाडु में एक रिकॉग्निशन हासिल करने के लिए और प्राइड की फीलिंग को दर्शाने के लिए, जो उनको अपने तमिल कल्चर और ट्रेडिशन की वजह से फील होता था। द्रविडियंस ब्राह्मणिकल कल्चर को पसंद नहीं करते थे। ब्राह्मण्स की जो मोनोपोली होती थी रिलीजियस रिचुअल्स पे और कास्ट सिस्टम पे, द्रविडियंस उसको अपोज करते थे। द्रविडियंस कास्ट सिस्टम को भी अपोज करते थे, क्योंकि कास्ट हायरार्की में ब्राह्मण्स को सबसे ऊपर का दर्जा दिया जाता था और वो सारे सोशल प्रिविलेजेस को एंजॉय करते थे, जबकि द्रविडियंस को लोअर स्ट्राटा में माना जाता था और उन्हें बैकवर्ड कास्ट्स माना जाता था। इसलिए द्रविडियंस सेल्फ रेस्पेक्ट मैरिजेस करवाने लगे
जिसमें वो किसी ब्राह्मण प्रीस्ट को बिना इन्वॉल्व किए ही अपनी शादी खुद ही कंडक्ट कर लेते थे। सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट को ईवी रामस्वामी नायकर या पेरियार ने शुरू किया था 1925 में ड्रविडियंस के लिए इक्वल राइट्स हासिल करने के लिए। भारत में हिंदू मैरिज एक्ट 1955 हिंदू मैरिज से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट लॉ है। 1968 में सेल्फ रेस्पेक्ट मैरिजेस को वैलिड और लीगल डिक्लेयर करने के लिए तमिलनाडु गवर्नमेंट एक अमेंडमेंट एक्ट लेके आई थी, द हिंदू मैरिज तमिलनाडु अमेंडमेंट एक्ट 1968। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के सेक्शन 7 के अनुसार हिंदू रीति और रिवाज या हिंदू राइट्स एंड सेरेमनीज जैसे कि सप्तपदी के पूरे होने से ही हिंदू मैरिज कंप्लीट माना जाता है, जो कि हिंदू प्रीस्ट या पुरोहित करवाते हैं। बिना हिंदू रिचुअल्स और बिना पुरोहित के शादियों को एक लीगल हिंदू मैरिज नहीं माना जाता है। इसलिए अमेंडमेंट द्वारा सेक्शन 7A को हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में इंसर्ट करवाया गया था। ये सेक्शन 7A सेल्फ रेस्पेक्ट मैरिजेस या सुयमरी यथाई मैरिजेस को वैलिड मानता है और ये अमेंडमेंट केवल तमिलनाडु में ही अप्लाई होता है। सेल्फ रेस्पेक्ट मैरिजेस बिना किसी पुरोहित के और बिना किसी हिंदू रिचुअल्स के ही पूरे हो जाते हैं। इस तरह की मैरिज के रिक्वायरमेंट्स ये होते हैं कि वर और वधु एक दूसरे को गार्लैंड यानी फूलों की माला पहनाए, एक दूसरे को रिंग यानी अंगूठी पहनाए और दुल्हा अपनी ब्राइड या दुल्हन को थली या मंगलसूत्र पहनाए। ये शादी ब्राइड और ब्राइडग्रूम के रिलेटिव्स, फ्रेंड्स और सगे संबंधियों की प्रेजेंस में होनी चाहिए, जिन्हें बताया जाए कि शादी हो रही है ऐसी लैंग्वेज या भाषा में जिसे वो समझ सके। मतलब सुयमरी यथई में ब्राह्मण प्रीस्ट या पुरोहित शादी नहीं करवाते हैं और सप्तपदी यानी सात फेरे जो कि एक नॉर्मल हिंदू मैरिज में होते हैं वो भी नहीं होते हैं। ईयर 2001 में एक और महत्वपूर्ण केस सुप्रीम कोर्ट में आया था जिसका नाम था एस नागलिंगम वर्सेस शिवगामी। ये केस भी सेल्फ रेस्पेक्ट मैरिज से ही रिलेटेड था। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कपल के बीच में हुई शादी को वैलिड और लीगल मान लिया था, जबकि उसमें सप्तपदी या सात फेरे नहीं लिए गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने अपने डिसीजन में कहा था कि हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के सेक्शन 7A के सारे रिक्वायरमेंट्स पूरे किए गए थे इस शादी में, इसलिए ये एक वैलिड या लीगल शादी है। गार्लैंड एक्सचेंज, रिंग एक्सचेंज, थली या मंगलसूत्र का पहनाना सब कुछ हुआ था इस शादी में। और मैरिज कपल सप्तपदी को एसेंशियल नहीं मानते थे क्योंकि ड्रविडियन कम्युनिटी के मेंबर्स इसको एसेंशियल नहीं मानते थे, इसलिए इस मैरिज को लीगल एंड वैलिड ही माना गया था। ये था हमारा आज का डिस्कशन सेल्फ रेस्पेक्ट मैरिजेस या सुयमरी यथई पे। सोशियोलॉजी के स्टूडेंट्स के लिए ये टॉपिक बहुत ही हेल्पफुल रहेगा उनकी नॉलेज और उनके स्कोर्स दोनों को बढ़ाने में। अगर आपको आज का हमारा डिस्कशन अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।